बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एडिफिकेशन। उस्मान अली इज हियर, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज द गुलिस्तान ऑफ सादी। द गुलिस्तान ऑफ सादी, इट इज रिटन बाय शेख सादी। सो स्टूडेंट्स, सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्क, अबाउट दिस लेसन एंड अबाउट द ऑथर। पहले हम जो है वो राइटर को देख लेते हैं जी। राइटर की पिक्चर आपके सामने है, यू कैन हैव अ व्यू ऑफ इट। और जो शेख सादी है, ही वॉज बोर्न इन 1210 एंड ही डाइड इन 1291 और 92। ईयर कन्फर्म नहीं है इनकी डेथ का, कि शायद ये 91 था कि 92 था। एनी वे, ही इज फेमस पर्शियन पोइट एंड प्रोज राइटर। तो आप जो है एक बड़े मशहूर फारसी के, पर्शियन का मतलब फारसी, आप फारसी के बड़े मशहूर शायर और नसर निगार हैं, प्रोज राइटर, नसर निगार, यानी कि आपने शायरी भी की और इसके साथ साथ कहानियां भी लिखी। हिज सोब्रिके इज, आपका निक नेम है, सोब्रिके कहते हैं निक नेम। आपका निक नेम क्या है जी? मास्टर ऑफ स्पीच। स्पीच किसको बोलते हैं? कलाम को कहते हैं। और मास्टर, वो शख्स जो बड़ा एक्सपर्ट हो, जो बड़ा माहिर हो, यानी कि आप सुखन के, आप कलाम के क्या हैं? मास्टर हैं, बहुत आला पाए के उस्ताद हैं, आपकी स्किल इसमें बड़ी ज्यादा है। और एक जो है बड़ी कॉमन सेइंग है, एक बड़ी मशहूर जो है वो जरबुल मिसल बन चुकी है फारसी जुबान में, वो क्या है जी? ईच वर्ड ऑफ सादी हैज 72 मीनिंग्स। तो ईरानी कहावत है कि सादी का कोई भी जो वर्ड है उसके जो है वो 72 मीनिंग्स होते हैं, 72 मीनिंग्स होते हैं जी, यानी कि आपकी स्टोरीज में, आपकी बातों में, आपकी पोएट्री में इतनी डेप्थ है। और जो गुलिस्तान है, जो गुलिस्तान ऑफ सादी जो आज टाइटल है हमारे लेसन का, तो गुलिस्तान किसको बोलते हैं? गुलिस्तान मीन्स द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब है ये एक बाग है। किस चीज का बाग है जी? फूलों का बाग। तो गुलिस्तान ऑफ सादी का मतलब फूलों का बाग, क्योंकि इस बुक में, गुलिस्तान ऑफ सादी एक्चुअली बुक है शेख सादी की, तो इस बुक में पोइट्री भी है और इसके साथ साथ जो है प्रोज भी है, पैराबल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मॉरल स्टोरीज हैं। तो इस वजह से ये गार्डन है, इसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज अ सोर्स ऑफ विजडम। तो कहा जाता है कि जो बुक है, यानी कि गुलिस्तान, गुलिस्तान जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोर्स ऑफ विजडम है। ये किस चीज का सोर्स है, किस चीज का जरिया है जी? विजडम का, अकलमंदी का, दानिशमंदी का। सो स्टूडेंट्स, इट्स आवर लेसन नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सादी। गुलिस्तान आपको पता चल गया कि ये किताब का नाम है जो के सादी साहब ने लिखी हुई है। तो पहला जो पैराग्राफ है, इट्स इंपॉर्टेंट एंड बिट डिफिकल्ट एज वेल। तो ये इंट्रोडक्शन है जिसमें जो है दो लोगों का जिक्र किया गया है, इमर्सन का और एडवर्ड आर्नल्ड का, जिन्होंने शेख सादी की जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में अपनी अपनी राय दी है। तो वो राय किस तरह से है और वो किस तरह की है, लेट स्टार्ट रीडिंग इट। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। स्टोरी टेलर, वन हु टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी सुनाता या बताता है। दास्तान गो, दास्तान किसको बोलते हैं? कहानी को बोलते हैं। गो, गोया होना, बोलना, सुनाना। तो शेख सादी एक अजीम दास्तान गो है। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, आप सारी कौमों से मुखातब हैं। And is perpetually modern, perpetually forever, हमेशा के लिए। Modern, modern का मतलब fresh, जदीद। Said Emerson, Emerson ने ये बात कही थी। Emerson कौन है जी? Emerson जो है वो एक American author और philosopher है। उसने शेख सादी के बारे में ये बात कही कि आप जो हैं वो सारी कौमों से मुखातब है, सिर्फ Persian nation से नहीं, सिर्फ फारसी कौम से मुखातब नहीं है, बल्कि सारी कौमों से मुखातब हैं। और आपका जो कलाम है वो हमेशा के लिए ताजा दम है, यानी किसी भी वक्त में पढ़ लें, आज भी जब आप इनकी जो है वो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं जो शायद आज जो है आज से 700 साल या 800 साल पहले थे। सेड इमर्सन, और इमर्सन ने ये बात आपके बारे में कही। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो समझता था कि ये जो गुलिस्तान है, किताब का नाम है, ये गुलिस्तान जो है ये बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की मुकद्दस किताबों में से है। बाइबल्स, दुनिया मुकद्दस किताब,
ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, तो ये दुनिया की मुकद्दस किताबों में से है। फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि उसको इसमें मिली, इमर्सन को इसमें, इसमें किसमें जी, गुलिस्तान में, क्योंकि इमर्सन को गुलिस्तान में नजर आई द यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी आलमगीरियत, जनरैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, अखलाकी कानून की, क्योंकि उसको इस किताब में अखलाकी कानून की आलमगीरियत दिखाई दी। द गुलिस्तान, गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, गुलिस्तान जिसका तर्जमा जो है वो लतीनी और अंग्रेजी जुबान में किया गया, बिकेम लव फॉर द पीपल, तो लोग जो है वो इसके दीवाने हो गए, लोग इसके गुरविदा हो गए, लोग इसके गुन गाने लगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, गौर करने के लिए, नोट का मतलब गौर करना, तवज्जो देना, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, और गौर करने के लिए बात नहायत दिलचस्प है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज्ड सादीज ट्रांसलेटेड पैराबल्स, के जो अंग्रेज आलिम थे, इंग्लिश स्कॉलर्स, अंग्रेज आलिम, उन्होंने इस्तेमाल की सादीज ट्रांसलेटेड, सादी की तर्जमा शुदा पैराबल्स, हकायतें, इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मजहबी किताबों में, डिवाइन बुक्स, रिलीजियस बुक्स, अपनी मजहबी किताबों में उन्होंने सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को इस्तेमाल किया। तो पैराबल्स जो है वो मॉरल स्टोरीज होती हैं, छोटी सी कहानियां होती हैं जिनके अंदर कोई अखलाकी सबक मौजूद होता है। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड, हत्ता के ये बात मालूम हो गई, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है, ऑफ अ लैटिन वर्जन, एक लतीनी नुस्खे का, वर्जन का मतलब ट्रांसलेशन, नुस्खा, ऑफ पर्शियन ओरिजन, ओरिजन का मतलब माखज, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, निकलती है, स्प्रूट करती है, तो पर्शियन फारसी। इसका पूरा तर्जमा दोबारा सुने, और तर्जमे से पहले जो इस बात को समझ लें कि जब पता चला, लोगों ने तहकीक करना शुरू की कि ये बात अंग्रेजी में कैसे आ गई है, इस किताब इंग्लिश में जो लिखी हुई किताब है इसमें कैसे आई है, तो तहकीक करते करते पता चल गया कि असल में ये जो बात है ये लतीनी जुबान में एक फलां फलां किताब में लिखी हुई थी, और लतीनी जुबान में कैसे आई, फारसी जुबान से आई, और फारसी जुबान में वो किताब किसने लिखी हुई थी, वो शेख सादी ने लिखी हुई थी। तो तर्जमा इसका पूरा दोबारा सुने। It is interesting to note that English scholars use Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. और ये बात जो है गौर करने के लिए नहायत दिलचस्प है कि अंग्रेज आलमों ने सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल किया, हत्ता के ये बात मालूम हो गई कि ये लतीनी नुस्खे का अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है, जिसका असल माखज फारसी जुबान है, यानी कि वो जुबान फारसी थी जिसमें आपने किताब लिखी हुई थी, तो वहां से बात उन्होंने किसी तरीके से अपने अंदाज में अंग्रेजी में ले गई। एडवर्ड आर्नल्ड हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन कलिनरी टर्म्स, तो एडवर्ड आर्नल्ड जो है वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट और एसेस्ट है, उसने जो है गुलिस्तान को, यानी इस किताब को, शेख सादी की जो किताब जिसका नाम गुलिस्तान है, उसको डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, कैसे, एप्टली, एप्टली का मतलब बजा तौर पे, सूटेबली, नहायत मुनासिब अंदाज में, इन कलिनरी टर्म्स, कलिनरी का मतलब जो है रिलेटेड टू कुकिंग, जिसका तल्लुक खाना पकाने के मुतल्लिक हो, टर्म्स इस्तलाहात, एस जैसा के। और एडवर्ड आर्नल्ड ने गुलिस्तान को खाना पकाने की इस्तलाहात में बजा तौर पर यूं बयान किया है, एस का मतलब यूं, और आगे वो बयान कर रहा है, उसके वर्ड्स हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में है, कि एडवर्ड आर्नल्ड ने कहा है, क्या कहा जी, एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ, इंटेलेक्चुअल का मतलब रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, जिसका तल्लुक जहानत से हो, पिलाफ डिश है जिसको पिलाव कहते हैं, एन इंटेलेक्चुअल पिलाफ, ये एक जहानत का पिलाव है, अ लिटररी करी, ये एक अदबी सालन है, अ कबाब, एक कबाब है, ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस, जीनियस का मतलब वो शख्स जो बहुत ज्यादा अकलमंद हो, या जीनियस जो है बहुत ज्यादा जहानत को भी बोलते हैं, ब्रिलियंस ऑफ माइंड को भी कहते हैं, और ये इंतहाई जहीन शख्स के लिए कबाब है। कौन कबाब है जी? ये किताब,
तारीफ करने का अंदाज होता है, तो एडवर्ड आर्नल्ड ने इस किताब की तारीफ खाने से मुतलका कर दी है कि जैसे लोग मुख्तलिफ तरह की डिशेस को खा के खुश होते हैं, तो इस किताब को पढ़ के भी यकीनन वो लुत्फंदोज भी होंगे, खुश भी होंगे। और क्या करेंगे जी, अगली लाइन जरा पढ़ते हैं। द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज पैराबल्स एज फूड फॉर थॉट। पैराबल्स पहले बयान कर चुका हूं, पैराबल्स का मतलब हकायतें होता है, मॉरल स्टोरीज होता है। तो जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो कारीन हैं, तो जो कारीन हैं श्योर यकीनन टू एंजॉय लुत्फ उठाएंगे दीज पैराबल्स इन हकायतों का एज फूड फॉर थॉट, उनको जहनी चाशनी मिलेगी, जहनी खुराक मिलेगी। लेकिन पूरा तर्जमा किस तरह से होगा दोबारा सुने, और कारीन यकीनन इन हकायतों से जहनी चाशनी का मजा पाते हैं। और फर्स्ट जो है आगे स्टार्ट हो रही है पैराबल, मॉरल स्टोरी, वो क्या है जी, पढ़ते हैं। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। एक दफा एक बादशाह और ईरानी गुलाम, पर्शियन स्लेव ईरानी गुलाम, वर सेलिंग इन द सेम बोट, वो एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, जो गुलाम था उसने कभी पहले समंदरी सफर नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कलैमिटी, कलैमिटी का मतलब आफत, मुसीबत, डिजास्टर, और ना ही उसे कभी किसी आफत का सामना करने का तजर्बा हुआ था। आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, थोड़ी देर के बाद जो कश्ती है वो तूफान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, और टॉसिंग का मतलब शेकिंग, हिचकोले लेना शुरू कर देना, डोलने लगना। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि एक जो है वो जहाज या कश्ती किस तरह से जो है वो शेक कर सकता है, टॉस कर सकता है, सो लुक एट दिस इमेज, दिस इज टॉसिंग ऑफ अ बोट और शिप। तो इस तरह से जो है हचकोले लेना शुरू कर देती है कश्ती या जहाज या डोलने लगता है। तो इट इज रियली ऑफ कोर्स वेरी डेंजरस थिंग, इट्स रियली फ्राइटनिंग, इट्स अलार्मिंग। तो कश्ती ने जो है वो हिचकोले लेना शुरू कर दिए, कश्ती डोलना शुरू हो गई। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफरों के लिए ये बात नहायत परेशानी का बायस बनी। इनकन्वीनियंट, परेशानी का बायस फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफरों के लिए, मुसाफरों के लिए ये बात नहायत परेशानी का बायस बनी। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सारे चुप होके बैठे रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, सिवाय गुलाम के, सिवाय गुलाम के सारे खामोश हो गए। हु इन फियर ऑफ बींग ड्राउंड, जिसने डूबने के डर की वजह से बिगैन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, जिसने डूबने के डर की वजह से कांपना और चिल्लाना शुरू कर दिया। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, शिवर करना। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस बेचैनी, रेस्टलेसनेस क्रिएटेड, पैदा कर दी, और पैदा कर दी बेजारी फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए भी, और दूसरों के लिए भी बेजारी का बायस बन गया। द अदर्स ट्राई टू पैसिफाई हिम, दूसरों ने उसको पैसिफाई करने की कोशिश की, तसल्ली देने की कोशिश की, दिलासा देने की कोशिश की, बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, उसको जो है रहम दिली के साथ, बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दिलासा देने की कोशिश की। बट ही डिडंट हियर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की बात पर भी कान ना धरा, किसी की बात का भी उस पर असर ना हुआ। वेन द अनइजीनेस लास्टेड, अनइजीनेस बेचैनी जो लोगों के अंदर फैल चुकी थी, लास्टेड, लास्ट का मतलब बरकरार रहना, तूल पकड़ जाना, लॉन्गर ज्यादा देर तक। द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, डिस्प्लीज का मतलब नाराज, तो जो बादशाह है वो भी नाराज हो गया। जी स्टूडेंट्स, जितना अभी तक हमने लेसन पढ़ा है उसके जरा सिनोनिम्स देख लें। तो इसमें जो है फर्स्ट वर्ड्स परपेचुअली, परपेचुअली जो है इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर इसका मतलब हमेशा के लिए, मॉडर्न, मॉडर्न जो है इसका मतलब कंटेम्प्रेरी, जो मौजूदा दौर में हो, जो फ्रेश हो, लेटेस्ट हो, ताजा तरीन हो। पैराबल्स, पैराबल्स का मतलब हकायतें, एलेगरी और मॉरल स्टोरी। वर्जन, वर्जन का मतलब नुस्खा, तर्जमा, एडिशन, ट्रांसलेशन। रीजन, रीजन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, माखज, बिगनिंग, स्टार्ट। एप्टली, एप्टली का मतलब मुनासिब तौर पे, बजा अंदाज में, सूटेबली एंड अप्रोप्रिएटली।
कलिनरी, और कलिनरी का मतलब रिलेटेड टू कुकिंग, जिसका तल्लुक कुकिंग से हो. टर्म्स, टर्म्स का मतलब एक्सप्रेशन, और वर्ड यानी कि इस्तलाहात, फ्रेज भी इसको कहा जा सकता है. पिलाफ, पिलाफ हमने वर्ड पढ़ा, इसका मतलब पुलाव है जी, डिश का नाम है. करी, करी का मतलब जो है डिश है, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स एटसेट्रा. वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब मैनी साइडेड, मल्टाई स्किल्ड, जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी मौजूद होती है. हमागीर, जीनियस, जीनियस का मतलब ब्रिलियंस, जहानत, विजडम, दानिशमंदी. सेलिंग, सेलिंग का मतलब समंदरी सफर करना, गो बाय वाटर और नेविगेट. कलैमिटी, कलैमिटी का मतलब मुसीबत, आफत, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी. इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट का मतलब डिफिकल्ट और ट्रबलसम. ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मीन्स कांपना, लरस जाना. शेक, क्विवर. पैसिफाई, पैसिफाई मीन्स दिलासा देना, सुकून देना, ढारस बंधाना. प्लेकेट और अपीज. अनईजीनेस, अनईजीनेस का मतलब एंजाइटी, डिसकंफर्ट, परेशानी, बेचैनी इसका मतलब. लास्टेड, लास्ट का मतलब बरकरार रहना, कंटिन्यूड और वेंट ऑन. डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड का मतलब नाराज हो जाना, डिससेटिस्फाइड और डिसग्रंटल्ड. इन दैट बोट देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट, सार्जेंट का मतलब सिपाही, दरोगा, और उसी कश्ती में एक दरोगा भी सवार था, हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको खामोश करवा दूं. क्वाइटन का मतलब खामोश करना, खामोश करवाना. इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड, बादशाह ने कहा यह तो बड़ी नवाजिश होगी. अ ग्रेट फेवर, बड़ी नवाजिश होगी अगर ऐसा हो जाए, खामोश हो जाए तो. द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इन टू द वॉटर, तो सिपाही ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को समंदर में फेंक दिया जाए. So that he could have experience the true danger of life, ताकि इसको पता चल सके कि जिंदगी में हकीकी खतरा क्या होता है. Two persons threw him in the sea, दो आदमियों ने उसको समंदर में फेंक दिया. And when he was about to be drowned, और जब वो डूबने ही लगा था, they pulled him back to the boat, उन्होंने दोबारा उसको कश्ती में खींच लिया. And he clung the stern with both of his hands. तो stern का मतलब जो है वो कश्ती या जहाज का पिछला हिस्सा होता है. आप इसको इस इमेज में देख सकते हैं. तो this is called stern, back side of the ship or boat. तो वो अपने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से के साथ जो है वो चिमट गया. Then he sat down and remained quiet. फिर जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया. This appeared strange to the king. बादशाह को यह बात बड़ी अजीब लगी. Who could not comprehend, comprehend, understand, समझना. जो समझ ना सका the wisdom, अकलमंदी को, दनाई को, in the action taken by the sergeant. और जो दरोगा ने अमल किया था उसकी हिकमत को बादशाह ना समझ सका. And he asked for it. और उसने इसका मुतालबा किया, इसके बारे में पूछा कि बताएं ये सारा कुछ क्या हुआ है. The sergeant replied, तो सिपाही ने जवाब दिया, before he had experienced the danger of being drowned, जब इसको डूबने का तजर्बा नहीं हुआ था. He knew not about the safety of the boat. तो इसको एहसास नहीं था कि कश्ती कितनी महफूज है. A man does not realize the worth of safety. इंसान को अपनी खुशकिस्मती का अंदाजा नहीं होता. From the misfortune, बदकिस्मती से, until he has tasted it, जब तक कि वो इसको चख ना ले. तो इंसान उस वक्त तक जो है उसे अपनी खुशकिस्मती का पता नहीं चलता जब तक कि उसका वास्ता जो है वो बदकिस्मती से ना पड़ जाए. So misfortune, misfortune जो है बोलते हैं बदकिस्मती को. पैराबल नंबर टू, इट इज रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब नरेटेड, बयान करना. दैट वाइल अ डियर वॉज बींग रोस्टेड फॉर नशेरवा,
बयान किया जाता है कि जब नौशेरवा के लिए एक हिरन भूना जा रहा था, रोस्ट का मतलब भूनना, ग्रिल करना, अ किंग ऑफ पर्शिया, और नौशेरवा कौन है जी, ये ईरान का एक बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, और अपने अदल की वजह से, अपने इंसाफ पसंदी की वजह से ये मशहूर था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, तो नमक दस्तियाब नहीं था। बयान किया जाता है कि जब एक दफा नौशेरवा के लिए एक हिरन भूना जा रहा था तो नमक दस्तियाब नहीं था। अ बॉय वाज सेंट टू अ विलेज, और एक लड़का जो है उसको एक गांव में भेजा गया टू ब्रिंग सम सॉल्ट, कि वो थोड़ा सा नमक ले आए। द बॉय ब्रॉट इट, लड़का ये नमक ले आया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह के हजूर पेश किया। हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, और उसने पूछा कि क्या तुमने इसकी कीमत अदा कर दी है। नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं। पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। लेस्ट इट शुड बिकम, लेस्ट और शुड इकट्ठा है तो इसका मतलब है ऐसा ना हो के, मबादा ऐसा ना हो के बिकम अ कस्टम, कि ये कस्टम बन जाए, एक रिवाज बन जाए, एक ट्रेडिशन बन जाए, एंड द विलेज बी रुइंड, और गांव जो है वो तबाह हो जाए। ऐसा ना हो कि ये एक रस्म बन जाए और गांव तबाह हो जाए, लोग जो है मुफ्त में ही एक दूसरे से चीजें लेके खाना शुरू हो जाए, ये रस्म रिवाज पड़ गया तो गांव तबाह हो जाएगा। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड, ट्राइफलिंग कॉमन, छोटी सी, मामूली सी, हकीर सी, डिमांड का मतलब रिक्वेस्ट, मुतालबा, पूछा गया कि इतने छोटे से मुतालबे से भला क्या नुकसान हो सकता है। हार्म का मतलब नुकसान, यहां तक के सिनोनिम्स देख लें। हैपेंड, हैपेंड का मतलब वाके होना, अकर्ड एंड टुक प्लेस, क्वाइटन, क्वाइटन का मतलब साइलेंस और हश, खामोश करना, खामोश होना या खामोश करवाना, क्लंग, क्लिंग की सेकंड फॉर्म, हेल्ड ऑन टू और क्लच्ड, थाम लेना, पकड़ लेना, स्टर्न, स्टर्न का मतलब रियर, बैक पार्ट ऑफ अ बोट, वर्थ, वर्थ का मतलब एडवांटेज, बेनिफिट, फायदा, कदरों कीमत, वैल्यू, सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, हिफाजत, मिसफॉर्च्यून, और मिसफॉर्च्यून जो है इट मींस ट्रबल और एडवर्सिटी, बदकिस्मती, मुश्किल, रोस्टेड, रोस्ट का मतलब बेक्ड और ग्रिल्ड, भूनना, कस्टम, कस्टम का मतलब ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, रिवाज, रुइन, तबाह होना, डिस्ट्रॉयड, डिसइंटीग्रेटेड, ट्राइफलिंग, ट्रीवियल, अनइम्पॉर्टेंट, मामूली, हकीर, डिमांड, डिमांड का मतलब रिक्वेस्ट और कॉल, मुतालबा करना।